देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार नहीं ले रहा थमने का नाम। धनबाद में ब्रेक फेल, बस ने बाइक को रौंदा, हादसे में दो की मौत, भड़के लोगों ने की तोड़फोड़। गांव में नाली ना साफ होने से गांव वाले परेशान, नहीं आता कोई सफाई कर्मी। तालझारी राजमहल थाना क्षेत्र के पगडी दुर्गा मंदिर में मंडई में हिंदू धर्म रक्षा। सतना में मां शारदा देवी मंदिर समिति को भंग करने की दायर हुई जनहित याचिका। अवरोध करते हैं खबरों की ओर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उत्पाद विभाग पर स्थानीय पुलिस इन अवैध शराब की कारोबारियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस इन अवैध शराब के कारोबारियों को कार्रवाई करने में जुटी पड़ी है। ताज़ा मामला सहरसा जिले की बेहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खोनहा गांव वार्ड नंबर 13 स्थित सचिन यादव के घर पर छापेमारी कर भूसे की ढेर में छिपाकर रखे गए 33 कार्टून बंद 1140 बोतल अंग्रेजी शराब को बरामद किया। जब्त शराब की कुल मात्रा 280 लीटर बताई जा रही है, जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि इससे पूर्व भी सचिन यादव के घर से अवैध शराब की बरामदगी हुई, जिससे वो फरार चल रहा है। फिलहाल उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना के आधार पर खोनहा वार्ड नंबर 3 में 13 वार्ड नंबर 13 में सचिन यादव के मकान से घुसखार से 33 कार्टून शराब बरामद किया गया है। टोटल जो है 1140 बोतल और 280 लीटर शराब बरामद। गिरफ्तारी भी हुई है? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। सचिन यादव पर पहले पिछले दिन भी एक दिन पहले 14 तारीख को केस दर्ज किया गया था और फिर उसी के ऊपर फिर आज इस पर दर्ज किया गया है। कितने की लागत होगी सर? लगभग 3 लाख बाजार मूल्य की कीमत की शराब है। संवाददाता शमसुल होदा की रिपोर्ट HBN न्यूज। धनबाद के रांगा टाट के पास एक बस ने बाइक पर सवार दो लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि अरमान बस का रांगा टाट के पास ही ब्रेक फेल हो चुका था और बस बाइक को कुचलते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने बस को लाठी डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया। धनबाद के रांगा टाड़ के पास एक बस ने बाइक पर सवार दो लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि अरमान बस का रांगा टाड़ के पास ही ब्रेक फेल हुआ और बस बाइक को कुचलते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई, दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने बस को लाठी डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक बस के अंदर चली गई थी, जिसके बाद बाइक को घसीटते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज होने से लोग काफी भड़क गए और उन्होंने उल्टा पुलिस पर भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस PCR टीम से वहां से निकल गई और फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौके पर ट्रैफिक DSP और धनबाद DSP मुकेश कुमार भी पहुंच चुके हैं। गोलाखीरी के अंतर्गत ग्राम अजान में एक साल हो गया है और कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता। बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा यही कारण है। ग्राम प्रधान से भी बताया गया, जिस पर ग्राम प्रधान ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि गांव वालों को कोई आश्वासन मिल सके। गोला खीरी के अंतर्गत ग्राम अजान में एक साल हो गया है और कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता। बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा यही कारण है। ग्राम प्रधान से भी बताया गया, जिस पर ग्राम प्रधान ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि गांव वालों को शांति मिल सके। तालझारी राजमहल थाना क्षेत्र के पगली दुर्गा मंदिर स्थित मंडई में हिंदू धर्म रक्षा मंच की ओर से एक दिवसीय बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता दिलीप यादव की अध्यक्षता में हुई।
कालझारी राजमहल थाना क्षेत्र के पगली दुर्गा मंदिर स्थित मंडई में हिंदू धर्म रक्षा मंच की ओर से एक दिवसीय बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता दिलीप यादव की अध्यक्षता में हुई। हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष संत कुमार घोष ने कहा कि बैठक के खत्म होने के बाद आज से ही हम लोगों को अपने क्षेत्र में मोदी जी के पक्ष में वोट मांगना है। हम हर गाँव गाँव जाकर 19 मई को मोदी जी के पक्ष में वोट डालेंगे ताकि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन सकें। साथ ही दिलीप यादव ने कहा कि गांव भ्रमण के दौरान राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों भाजपा के वरिष्ठ नेता या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता मोदी जी के लिए वोट मांगने तक नहीं आए और ना ही पर्चा वितरण किया गया, जहां की बहुत ही असंतुष्ट प्रकट रही। हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द आप लोग के पास आएगा और मौके पर संत कुमार घोष, अशोक घोष, अजीत यादव, दिलीप यादव, तिलकधारी महतो, अजीत यादव, वकील कुमार, प्रीतम घोष मौजूद रहे। सतना में मां शारदा देवी मंदिर समिति को भंग करने के लिए दायर हुई जनहित याचिका। उच्च न्यायालय दायर हुई याचिका में याचिका दाखिलकर्ता ने बताया कि मंदिर मां शारदा, जो कि राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, उनकी व्यवस्था कर पाने में समिति उपयुक्त नहीं हो पा रही है। जिला सतना में मां शारदा देवी मंदिर समिति को भंग करने दायर हुई जनहित याचिका। उच्च न्यायालय द्वारा दायर हुई याचिका में याचिका दाखिलकर्ता ने बताया कि मंदिर में मां शारदा, जो कि राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, उनकी व्यवस्था कर पाने में समिति उपयुक्त नहीं है और ना ही सतना कलेक्टर की शक्तियाँ प्रभावी हैं। समिति में अतिरिक्त प्रशासक अनुवी दंड अधि राजनेताओं के अधीन कार्य करते हैं। मंदिर में भक्तों के दान की उचित रक्षा कर पाने को सक्षम नहीं। प्रशासक क्षेत्र में दबंगों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का विखंडन किया जा रहा है और इन्हीं सभी मुद्दों पर दायर हुई याचिका। मालूम हो कि आवेदक ने मध्य प्रदेश राज्य शासन में शिकायत कर समिति भंग करने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर राज्य शासन ने मंदिर को गवर्नमेंट के अधीनस्थ लेने की मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य शासन प्रयुक्त शक्तियों को लागू करने का लिखा पत्र, जिसके साथ आवेदक ने समिति भंग करने की दाखिल की याचिका। संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट, HBN न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।